आज क्लास 9 हिंदी मीडियम में हम न्यूटन के गति के दो तीन नियम को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। न्यूटन के गति का दो तीन नियम, गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक दो तीन नियम क्या कहता है, ध्यान दें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम और एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए हो गया। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए और आगे चलते हैं, एफ इक्वल टू हो गया के इंटू एम ए, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट। अगर हम एफ की वैल्यू 1 न्यूटन ले लें, मास की वैल्यू 1 केजी ले लें और एक्सीलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, ऐसी सिचुएशन पर एफ इक्वल टू एम इंटू ए के इक्वल, एफ इक्वल टू एम इंटू ए के इक्वल हो जाता है। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गति का द्वितीय नियम है कि किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम प्रथम नियम का सत्यापन करेंगे। द्वितीय नियम से प्रथम नियम का सत्यापन, कैसे? हमारा द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है F इक्वल टू एम। प्रथम नियम हमारा कहता है यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित न किया जाए तो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर हम F की वैल्यू 0 रखते तो दैट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर इन्हीं दो क्वांटिटीज का, दो राशियों का गुणनफल शून्य है, इसका तात्पर्य यह है या तो एम शून्य है या फिर ए शून्य है। परंतु हम जानते हैं किसी भी पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। अगर द्रव्यमान, चूंकि जो द्रव्यमान है मास, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 है और एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब चेंज वेग परिवर्तन शून्य है और वेग परिवर्तन शून्य है। यदि वेग परिवर्तन शून्य है कब? जब बल शून्य लगाया गया है। इसका मतलब बाह्य बल न लगाने पर वेग परिवर्तन नहीं होता, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। दूसरे नियम के द्वारा इस तरह से हम न्यूटन के प्रथम नियम का भी सत्यापन करते हैं। एक बार फिर से देखें, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान F तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F M के प्रोपोर्शनल है, F A के भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू M A या F इक्वल टू K इंटू M A, जहां K एक कॉन्स्टेंट है, स्थिरांक है। यदि हम F की वैल्यू 1 न्यूटन लें, मास की वैल्यू 1 केजी लें
और एक्सीलरेशन हमारा इवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो हम ये कह सकते हैं एफ इक्वल टू एम इन टू ए। गति विस्तार गति गति के नियम द्वितीय नियम से हम प्रथम नियम का सत्यापन करते हैं एफ प्रथम हमारा गति का द्वितीय नियम है एफ इक्वल टू एम ए। अगर हम एफ की वैल्यू जीरो ले लें इसका मतलब एम ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। किन्हीं भी दो राशियों का गुणनफल शून्य उस स्थिति में होता है जब या तो एम जीरो होगा या ए जीरो होगा। लेकिन हम जानते हैं किसी भी वस्तु का चूंकि द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता इसका मतलब त्वरण जीरो होगा और जब त्वरण जीरो होगा इसका तात्पर्य कि हमारा वेग परिवर्तन भी शून्य होगा। इस तरह से न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का सत्यापन होता है। नेक्स्ट गति का तृतीय नियम अगले वीडियो में आप लोगों से।